हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पनीशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। नाम श्वेता सु। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस फॉर DFCCIL एग्जामिनेशन। आज है डे 20, सो 19 क्लासेस अभी तक एंड 3 लाइव टेस्ट जो है हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। एंड आज से हम करने वाले हैं TCS में आए हुए क्वेश्चन, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से TCS एग्जामिनेशन में आए हुए, ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। सो डैश डांस परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रही है ना। सो वो कौन सा डांस है जो बुद्धिस्ट करते हैं इविल स्पिरिट्स को निकालने के लिए, ओके। सो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा चाम, ओके। चाम डांस है, राइट। सो अगर हम देखते हैं तो चाम डांस जो है बुद्धिस्ट के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है इविल स्पिरिट्स को निकालने के लिए। ये बेसिकली ये डांस जो है हिमाचल प्रदेश की है, ओके। एंड ये किस लिए परफॉर्म किया जाता है? हमारे जो ह्यूमन्स है उनके गुडविल के लिए एंड बुरे यहाँ पे जो भी स्पिरिट्स है उनको निकालने के लिए, राइट। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो मालुस प्यूमिला इज द बोटानिकल नेम ऑफ डैश ट्री। सो कौन सा ट्री का मैलुस प्यूमिला बोटानिकल नेम है, ओके। सो यहाँ पे मैलुस प्यूमिला जो है एप्पल ट्री का बोटानिकल नेम है, एप्पल ट्री का ये बोटानिकल नेम है, ओके। अगर देखा जाए सो यहाँ पे नेम ऑफ द एप्पल, कॉमन एप्पल एंड पैराडाइज एप्पल का साइंटिफिक या बोटानिकल नेम जो है मैलुस प्यूमिला है। अगर यहाँ पे अगर हम बनाना का देखते हैं, बनाना का साइंटिफिक नेम है म्यूसा। अगर ऑरेंज का देखेंगे तो सिट्रस एक्स सिनेसिस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। अगर हम वाटरमेलन का देखते हैं तो उसका क्या है यहाँ पे साइंटिफिक नेम? सिट्रियोलस लेनान्थस है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंटिफिक नेम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसलिए ध्यान रखनी है, ओके। सो नेक्स्ट देखना, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सो आपको पता ही होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारे कंट्रीज से जो है बोरो किया है, बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो यहाँ पे इनको यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी को हमने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ओके। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन? जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगर इसके बारे में और बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पर यहाँ पे प्रेजिडेंट को अथॉरिटी है डिक्लेयर करने के लिए 3 इमरजेंसी। सो वो कौन से इमरजेंसीज है जो प्रेजिडेंट डिक्लेयर कर सकता है? तो वो है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड कौन सा है अगला वाला? फाइनेंशियल इमरजेंसी, ओके। और ये तीनों ही हमने लिया है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके, राइट एवरीवन, समझ में आ गया है ना। ये TCS आज क्वेश्चन है, आगे भी ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी के आर्टिकल्स याद रख लीजिए, 352, 356 एंड 360 है, ओके। याद रखनी है, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में गारंटीड। अगर आप DFCCIL सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चाहो तो टेक्स्ट बुक की ये लाइव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि कंप्लीट सिविल के सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा, तो सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, ओके। सो यहाँ पे हमको क्या क्या मिलने वाला है? 130 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे और 100 प्लस यहाँ पे टेस्ट आपको मिलेंगे और 70 प्लस PDF नोट्स मिलेगा, यानी क्लासेस में जो पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स भी मिलेगा और 400 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे आपको, 4000 प्लस क्वेश्चंस। एंड ये जो टेस्ट होगा वो सेक्शनल भी होगा और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड आप चाहो तो यहाँ पे PAN10 कोड भी यूज कर सकते हो, इससे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा, ओके। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेम द स्टेट चंद्रगुप्त वन गॉट इन डाउरी फ्रॉम लिच्छावी।
यहाँ पे चंद्रगुप्त वन को डाउरी में, यानी जब इन्होंने किससे यानी शादी कर लिया तो डाउरी से इनको क्या मिला था? कौन सा स्टेट मिला था इनको? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है डाउरी में इनको मिला था, ठीक है ना। अगर देखा जाए ये हमारे चंद्रगुप्त वन जो है कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? गुप्ता डायनेस्टी, जिसकी फाउंडेशन ने किया है श्रीगुप्त। घटोत्कचा के जो है बेटा है चंद्रगुप्त वन। इन्होंने जो है जब कुमारी देवी से शादी किया था तो लिच्छावीस का जो चीफ हुआ करता था, कुमार देवी के पिताजी थे, तो इन्होंने डाउरी में इनको दिया है क्या? लिच्छा पाटलिपुत्र। ओके, समझ में आ गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैव रिकॉर्डेड द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता हु वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट। कौन से पिलर में इनके अचीवमेंट्स के बारे में, यानी समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में कौन से पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है? इनको इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता था। ओके, अलाहाबाद। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस में इनके बारे में बताया गया है। ओके, और यहाँ पे क्या क्या लिखा लिखा हुआ है? डिफीटेड सर्वल किंग्स ऑफ नॉर्थन इंडिया। नॉर्थन इंडिया में इन्होंने बहुत सारे किंग्स को डिफीट किया है। ओके, ये जो है किसके द्वारा कंपोज किया गया है? हरिसेना, इनके जो गुड पोएट थे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु हैड बिल्ट द ग्रैंड चैरियट केव्स टेम्पल इन महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में चैरियट केव्स टेम्पल जो है किसके द्वारा बिल्ट किया गया है? तो नरसिम्हा के द्वारा ये बिल्ट किया गया है। ओके, रतकेव टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वो जो है बिल्ड किया गया है पलवा किंग नरसिम्हा के द्वारा 7 से लेके 8 सेंचुरीज के बिटवीन में। ओके, ये जो केव्स है ना, उनका जो ब्यूटी देख के ना हमको पता चलता है कि इनकी आर्टिस्टिक टेस्ट जो है कितना ज्यादा अच्छा हुआ करता था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सती प्रथा वॉज अबॉलिश्ड अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। किसने अबॉलिश किया है? पहले पूरी तरह से जो है सती प्रथा को किसने अबॉलिश किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने जो है इसको अबॉलिश किया है। ओके, अगर हम बात करेंगे किसके टाइम पे जो है सती प्रथा स्टार्ट हुआ था, आप देखेंगे यहाँ पे देखना, रामगुप्ता जो है गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था? एक्चुअली रामगुप्त के एक चीफ हुआ करते थे। उस टाइम पे वॉर में इनकी चीफ की जो है डेथ हो गई थी। तो क्या हुआ, इनकी जो वाइफ है ना, इनकी वाइफ क्या है, उनकी जो जलती हुई बॉडी के ऊपर गिर के मर जाती है। ओके, उसको देख के ना बहुत सारी लेडीज भी यही करते हैं। ऐसे बहुत सारे लेडीज करते हुए आ रहे, तो ये धीरे धीरे क्या आचार बन गया। ओके, एंड आचार बनने के बाद ये इम्पोर्टेंट बन गया है कि हर एक लड़की को ऐसे ही करना चाहिए अपने पति के मरने के बाद। ओके, ये रामगुप्त के टाइम पे शुरू हुआ था और यहाँ पे विलियम बेंटिक ने इसको अबॉलिश किया था। ओके, समय 1829 में इसको अबॉलिश किया गया है। ओके, यहाँ पे क्या सती सिस्टम, ये जिंदा जो जिनका हस्बैंड का डेथ हो जाता है ना, वो वाइफ जाके वो फायर में जिंदा ही जल जाती है। ओके, इसको इलीगल एंड पनिशेबल बाय क्रिमिनल कोज जो है डिक्लेयर किया गया है विलियम बेंटिक के द्वारा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एम्प्लॉयज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो एम्प्लॉय करती है बहुत सारे लोगों को? तो वो है एग्रीकल्चर, राइट एवरीवन, एग्रीकल्चर, राइट, पता ही है ना आप सारे लोगों को। यहाँ पे देखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। हमारे कंट्री में जो है बहुत सारे लोग जो है एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो 1/5 ऑफ द
टोटल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है. ओके, नियरली हाफ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. इन द सेंस जो भी काम कर रहे हैं ना, जैसे कि लेबर काम जो भी कर रहे हैं, उसमें से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में ही काम कर रही है. ओके, तब की एग्रीकल्चर कम हो रही है, फिर भी बहुत सारे लोग जो है एग्रीकल्चर में ही है अभी भी एम्प्लॉयड, राइट. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट डिसाइपल ओके डिसिप्लिन. ओके, सो किसने इसको फाउंड किया है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है जे.एम. कीन्स. ओके, इन्होंने जो है फाउंड किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स को. ओके, सो ये एक ब्रांच है इकोनॉमी का. ओके, सो ये किससे डील करती है? जब यहाँ पे मार्केट जो है लार्जर लेवल का हो जाता है, सो उसका बिहेवियर के बारे में इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया है, राइट. सो याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट? सो ये सारे के सारे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स है. ओके, ओके, मैंने आपको पढ़ाया है कौन से टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, किसके अंडर कौन आता है. तो ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर्स के अंडर आते हैं. ओके, सो ये सारे के माइक्रो कंप्यूटर्स है. सो ये माइक्रो कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर्स. ओके, हम सारे लोग यूज कर रहे हैं एंड ये ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर्स है. और ये जो भी कंप्यूटर्स है अलग टाइप के, उनमें से ये चीपेस्ट है, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year plan स्टार्टेड इन इंडिया? 5-year plan जो है कब स्टार्ट हुआ था? ये 1951 में स्टार्ट हुआ था, पता ही है ना हम सारे लोगों को. और यहाँ पे हमारे फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया है फर्स्ट 5-year plan पार्लियामेंट में. ओके, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. 1951, ये काफी बार एग्जामिनेशन में आया है. ओके, सो जब तक मुझे पता है कि ये 2016 से काफी बार ये एग्जामिनेशन में आया है, 2016 से. ओके, सो याद रख लीजिए, उससे पहले भी आया है. ओके, पर 2016 से ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ था. ओके, सो विच ऑफ द कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड? सो यहाँ पे लार्जेस्ट का मतलब इन नंबर ऑफ सीट्स. ओके, सो कौन सी कंट्री का ज्यादा सीट्स है उनके पार्लियामेंट? ऑब्वियसली वो हो जाएगा क्या? चाइना हो जाएगा. सो कितने सीट्स है यहाँ पे आपको पता है क्या? सो 2980 मेंबर्स है. ओके, इनके पार्लियामेंट, और इनका चाइना का पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है. ओके, ये लार्जेस्ट लेजिस्लेचर इन द वर्ल्ड है विद 2980 मेंबर्स. ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा है अगर आपको याद हो तो. हु वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? सो हमारे 28 स्टेट्स है, सो उनमें से कौन सा फीमेल चीफ जस्टिस है हमारे हाई कोर्ट के? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है? लीला सेठ. ओके, लीला सेठ इज द राइट आंसर. अगर हम बात करेंगे फर्स्ट जज, ओके, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके, सो वो कौन थी? फातिमा बीबी थी. ओके, सो यहाँ पे बिकेम, ये डेट भी याद रख लिया, 5th ऑफ अगस्त 1991 में ये चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट बन गई है. ओके, दिल्ली हाई कोर्ट की बनी है, याद रख लीजिए. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, एंड टीसीएस में पूछा भी आया है पहले, एंड टीसीएस बहुत क्वेश्चंस रिपीट करता है, ये चीज आप याद रख लो. सो नेक्स्ट देखना, विच मुगल एम्परर हैड बिल्ट एन आगरा फोर्ट? सो कौन सा मुगल एम्परर ने यहाँ पे आगरा फोर्ट बनाया? तो आप सारे लोगों को पता ही होगा, अकबर ने बनाया, हाँ कि नहीं? सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ आगरा फोर्ट वॉज स्टार्टेड अराउंड 1565 में स्टार्ट हुआ था. ओके, मुगल एम्परर अकबर ने इसको स्टार्ट किया था, पर यहाँ पे इनके ग्रैंडसन शाहजहां ने इसको कंप्लीट किया है. ओके,
यहाँ पे इनका शाहजहां का पिताजी और अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर था। पता ही है ना आप सारे लोगों को। ओके सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी फॉर्म्ड द अरुणाचल इंडियन कांग्रेस इन विच ईयर? सो आंसर आपका 1894 हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, गांधी जी से रिलेटेड हर चीज इम्पोर्टेंट है। 1894। ओके सो ये इन्होंने क्यों 1894 में नटल इंडियन कांग्रेस इन्होंने साउथ अफ्रीका में इंडियंस के लिए? ओके सो यहाँ पे क्या हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी इंडियंस को साउथ अफ्रीका में, तो इन्होंने उसके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में इसके एस्टैब्लिशमेंट किया था। ओके 1894 में, याद रख लीजिए। ओके सो आज का क्लास इतना ही है। ओके तो यहाँ पे कल से हम थोड़े और क्वेश्चंस बढ़ा के करेंगे, ठीक है ना? सेशन अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है? एंड यहाँ पे हमारा क्लास का स्लोगन क्या है? आई कैन एंड आई विल। आई कैन एंड आई विल इज द स्लोगन ऑफ अ क्लास। हम क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, मिरर में देखते हैं और बोलते हैं कि आई कैन एंड आई विल, मेरे को नौकरी जरूर आएगा। ओके ये सोचो आप लोग, ठीक है ना? जोश में रहना, अच्छे से मोटिवेटेड रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, आपको मिल ही जाएगा नौकरी। ओके थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं कल। थैंक यू ऑल, बाय बाय।